हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑल मेड डाउट्स पर। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 5 के एफ। प्रश्न नंबर पहला है, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों से समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे संगामी हैं। पहला प्रश्न है 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 3.4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। अब क्या करें, 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर तो अपने मनमानी से नहीं खींचेंगे। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे। लगा लिए, एक हमें 2.5 सेंटीमीटर का वो लगा लेना, एक चाप में यहाँ पे काट दिए। इसको इस रेखा को मानकर अब इसको यहाँ पे मान लिए, इसको यहाँ पे मिला दिए, इसको इधर ले जाके मिला दिए। ये कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का, ये 2.5 सेंटीमीटर का। अब क्या कह रहा है कि ये अब समद्विभाजक कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये वे संगामी हैं कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि वे संगामी हैं कि नहीं, तो सबसे पहले हमें कोणों का अर्धक करना है। तो यहाँ पे कोण लें, अब इसको हमें अर्धक करना पड़ेगा। यहाँ पे मिला दिए इस कोण को, लिए इसको यहाँ पे ले जाके मिला दिए। अब यहाँ पे कोण ले, यहाँ पे मिला दिए। अब क्या ये संगामी है कि नहीं, क्या ये एक दूसरे से मिल रहे हैं कि नहीं। देखिए ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब ये संगामी है। हाँ, ये संगामी है, आंसर ये हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा, 4.6 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा बीच का कोण 120 अंश हो। सबसे पहले 4.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेना। अब क्या कह रहा है, बीच का कोण 120 अंश का है। बीच का कोण क्या है, 120 अंश का हो, 120 अंश का हो। रेखा खींच ली, इस रेखा को हमको इसमें मिला देना है। अब हमको कोणों का अर्धक करना है, कोणों को अर्धक करना है। तो कोणों यहाँ पे एक ले लिए, ये कोण ले लिए, यहाँ पे इस कोण को इधर ले आए, इस कोण को इसमें मिला दिए। अब क्या कह रहा था कि ये सब संगामी हैं कि नहीं, क्या ये कोण आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये भी एक दूसरे से मिल रहा है, तो ये क्या है, हाँ ये संगामी है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका आंसर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। 4 सेंटीमीटर अपने मनमानी से नहीं करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का हमें एक चाप लगा लिए। अब इसको बिंदु मान के, केंद्र मान के, इसको केंद्र मान के दो सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर काट देंगे। ठीक है, काट दिए, इसको ले जाके इसमें मिला दिए। अब ये क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर। अब इस केंद्र को हमको अर्धक करना है, तो अर्धक कर लेते हैं, अर्धक कर ले, इसको भी मिला के अर्धक कर लिए, इसको भी अर्धक कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तो ये आपस में मिल रहे हैं, ये संगामी हैं, ये भी संगामी है, आंसर हमारा यही है। प्रश्न नंबर दूसरा, एक समबाहु कोण ए बी सी खींचिए और उसका अंतःकेंद्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें एक रेखा खींचना है, ये जो हम रेखा खींचे हैं इसी को हम प्रकार से नापेंगे और सेम वही नाप हमें एक इसको केंद्र मान के एक चाप लगा लेना है। यहाँ पे एक चाप लगा लिए और इसको केंद्र मान के यहाँ पे एक चाप लगा लेंगे। ठीक है, और इस चाप को इसको हम मिला लेंगे, मिला दिए। अब क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज बोला था खींचने के लिए, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्या कह रहे हैं, और उसका अंतःकेंद्र ज्ञात कीजिए। अंतःकेंद्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको कोणों को अर्धक करना होता है। जैसे कोण है, ये कोण है, ये कोण है, इसको क्या करना है, अर्धक करना। सबसे पहले कोण बनाए, कोण, तो इसको यहाँ पे चाप लगाएंगे, काटेंगे, यहाँ पे इसको इसको अर्धक कर लिए। अब क्या कह रहा है कि इसके परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। परिकेंद्र भुजाओं को अर्धक किया जाता है, ये जो भुजा है इसको क्या करना है, अर्धक करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है,
इसको काटे, अब इसको क्या किया हम आधा कर लेंगे, ठीक है आधा कर लिए। अब यहाँ पे इसको आधा करेंगे, यह हो गया। अब क्या करें, लंब केंद्र, ये जो हमारा लंब है, जो हमारा लंब है वह केंद्रक, ये जो क्या है केंद्रक, इसके अंदर केंद्र पर संपाती हैं, हाँ अंतः केंद्र पर ये संपाती हैं, ये हमारा क्या है आंसर है। प्रश्न नंबर तीसरा, चित्र में कोण ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जो दो भुजाएं बराबर हों, समलब बराबर, समलब बराबर द्विमलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। इसमें ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी क्या है बराबर है, बराबर है। ए पी, ए पी कोण ए का आर्धक है, ए पी जो है ये कोण जो है क्या है आर्धक है, ये कितना है आधा है। यह रेखाखंड, यह रेखाखंड ए पी और बी सी का लंबार्धक है, लंबार्धक है कि नहीं, हाँ ये लंबार्धक है, लंबार्धक है हमारा, ये आंसर हो गया।